ये मैंने सिर्फ टुकड़ा पकड़ा इसका। सही। अभी आप देखिएगा ये। अरे वाह भाई, इसमें तो वाकई ये देख रहे हैं आप ऑयल मेरे हाथों का। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो हसीबुल्लाह की मार्फत आएगा जो भी हो सकेगा उसके उसके साथ हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे। सही है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद हसीबुल्लाह। अभी हम जहाँ मौजूद हैं ओल्ड मदीना ड्राई फ्रूट्स, इस शॉप का नाम है और ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। इसका एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इस तरफ से आएंगे तो यहाँ पे 16 नंबर कार्डियो हॉस्पिटल वाला रोड है ये, और अगर आप इस तरफ से आओगे ना तो यहाँ पे वाटर पंप की चौरंगी है, फिश मार्केट के साथ ही ये शॉप आपको पड़ेगी, ओल्ड मदीना ड्राई फ्रूट्स। तो अभी चलते हैं और इस शॉप को डिस्कवर करते हैं कितने किस्म के और कितने किस्म की मूंगफली होती है और कितने किस्म के इनके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप लोगों के सामने ओल्ड मदीना ड्राई फ्रूट्स मौजूद है। यहाँ पे जो है वो लाइव इनकी जो है भुनाई चल रही है, क्या कहते हैं, मूँगफली की। और अभी अंकल के पास चलते हैं और अंकल से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आपका नाम? मोहम्मद अनीस। तो अंकल आपके कितने टाइम से रन कर रहे हैं ओल्ड मदीना ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, और आपके पास कितने किस्म के ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली होती है, इसके बारे में ज़रा आवाम को बताइए। ड्राई फ्रूट हमारे पास मुकम्मल वैरायटी है, एक नंबर क्वालिटी के साथ, जो आमतौर पर आपको नहीं मिलती। दो नंबर मिलती हैं, पुराने मिलती हैं। मूँगफली हमारे पास तीन किस्म की हैं, पंजाब वाली है, चकवाल की, पारा चनार की है और रशियन है। तीनों दस्तियाब है। अच्छा, तीनों के टेस्ट में भी फ़र्क होता है? टेस्ट में फ़र्क होता है, प्राइस में भी फ़र्क होता है। अच्छा। और आमतौर पर जो है ये रशियन जो है यही पारा चनार बोल के बेची जा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ज़रा हमें आप इनकी किस्में दिखाइए, कैसी होती हैं दिखने में ज़रा। बेटा फली लेके आओ, फली लेके आओ। ये देखें जी, फली वहाँ से अंकल ने मंगवाई है, वहाँ से तीनों किस्म की फली आएगी। ले आओ भाई, ये देखें जी, शॉप इनकी काफ़ी अच्छी सी है और ये फली आ गई है जी। ये देखें, ये होती है पतली, ठीक है, ये होती है पारा चनार। पारा चनार एक नंबर वाली, ठीक है। सही। अभी आप वो बोरियों पर नज़र मारें, ये सबसे पहले ये पंजाब वाली पड़ी हुई है, ये वाली, ये सबसे पहले पंजाब वाली है। सही। इसके बाद ये पारा चनार है, ये पारा चनार, उसके बाद रशियन है। ये वाली कौन सी अंकल? ये रशियन है। ये रशियन है। तो इसमें सबसे ए क्लास कौन सी होती है, पहले नंबर पे कौन सी होती है? पहले नंबर ये सेंटर वाली है, ये वाली है पारा चनार। पारा चनार, पारा चनार, ठीक है। तो अंकल अभी मैं अंदर आता हूँ तो आपके पास कितने किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी लोगों को दिखाइएगा, ठीक है। आइए आइए आइए। सो गाइस, फाइनली हम जो है वो शॉप के अंदर जाने वाले हैं और काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी, तो चलते हैं शॉप के अंदर। अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी अंकल, बादाम दिखाइए। ये देखिए मैडम, ये अमेरिकन है, दरमियाने वाला, दरमियाने वाला, एक इससे भी छोटा आता है, वो वैरायटी हम रखते रहेंगे, अच्छी वैरायटी। क्या पाव है ये? 500 रुपीज़ पाव, 500, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है ये भी अमेरिकन है, ये पापलेट है, पापलेट, इसे पापलेट कहा जाता है। मतलब बादाम को मच्छी का नाम दिया हुआ है। जी जी जी, सही। कुदरत ने इसमें ताकतें भी रखी हुई हैं। अच्छा। बकरे गोश्त की ताकत है, मछली गोश्त की ताकत है, अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह का निज़ाम है। सही बात है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये, इसे कहते हैं तलवार बादाम। ओहो सही, बड़े अमेजिंग से नाम है अंकल बादाम। जी जी, क्वालिटी वाइज इनके मुख्तलिफ नाम है और मुख्तलिफ जायके हैं। सही। और मुख्तलिफ फायदे इनके। चलें काजू पे आ जाएं आप। ये सादा काजू है। सही। बगैर भुना हुआ पाओ, पाओ 650 रुपये पाओ, 650 रुपये पाओ। सही। और एक नंबर नया कड़क और गारंटी के साथ हमारे पास चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा अंकल, ये कौन सा काजू है? जी जी, ये वाला ही। ये इसके बाद आ जाता है नमकीन काजू। नमकीन काजू, ठीक है। ये क्या पाव है? ये 700 रुपये पाव है, जो आपको मैंने पहले सादा दिखाया था उसी का हम ये अपना भुनवाते हैं। सही। वरना लोग क्या करते हैं कि पुराना एक्सपायर काजू लेके वो भुनवाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे पास क्वालिटी और मैार, क्वालिटी पर हमारे पास कम्प्रोमाइज नहीं, कम्प्रोमाइज नहीं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिलेगा एक नंबर क्वालिटी आपको मिलेगी। और इसके बाद आ जाइए, ये है अखरोट की देसी वाली, जो तकरीबन आम तौर पे नहीं चलते, नहीं चलते, 95 दुकान पे नहीं होगी, सिर्फ 5% दुकानों पे होगी। ये है देसी गिरी, तकरीबन 3 साल के बाद ही आई है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा फिर ये है, ये आम चल रही है अमेरिकन गिरी, चाइना और अमेरिकन गिरी। अच्छा, इसमें ऊपर जो है वो कौन सी गिरी है? ऊपर ये देसी वाली है। देसी वाली, सही। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ऑयल भी इसमें ज़्यादा होता होगा? बहुत ज़्यादा होगा, की कंसिस्टेंसी। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाएं, ठीक है। ये मैंने पैकेट खोला,
सही ठीक है। ये मैंने सिर्फ टुकड़ा पकड़ा इसका। सही। अभी आप देखिएगा ये। अरे वाह भाई, इसमें तो वाकई ये देख रहे हैं आप ऑयल मेरे हाथों का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उंगलियां तर हो गई ऑयल के अंदर। और इसका ऑयल जो है ये फैटी नहीं है, बहुत फायदेमंद है। और इस वक्त जो है मेडिकल मरीजों को कहती हार्ट के पेशेंटों को कि अखरोट खाओ, अखरोट खाएं, इससे दिल के शरियाने जो है, दिल के वॉल जो है वो खुलते हैं, हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, यह देसी गिरी ऑयल देख रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल, मैंने टुकड़ा लिया था जरा सा टुकड़े में इतना सारा ऑयल है। और सबसे बड़े इसके फायदे ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल काटता है कम करता है। सही, वैलिड इसका ऑयल जो है वो फायदेमंद है। सही, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे अपन आ जाते हैं, ये है पिस्ता छिलावा। ठीक है, सही। ये पिस्ता मगज है, छिलावा पाकिस्तानी एक नंबर नया माल। इसके प्राइस क्या क्या पाव है इसके? हमारे पास 1300 रुपये है, वैसे मार्केट में 1400 रुपये पाव है इसके प्राइस। अच्छा अंकल, आप होलसेलर हैं? जी, होलसेलर इस लिहाज से कि क्वालिटी के लिहाज से। ठीक है, जो चीज़ हम लोग 1300 की दे रहे हैं वो 1400 की मिलेगी आपको आमतौर पे, और मिक्स की हुई मिलेगी। ओरिजिनल मिलेगी, जो सस्ती मिलेगी तो पुरानी मिलेगी हमारे पास। यानी कि हम अपने ग्राहकों को ये बेनिफिट देते हैं, गारंटी देते हैं, जो हमसे सामान लेके जाता है इसकी गारंटी नहीं होती हमारे माल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमसे जो माल ले जाता है हम 4 दिन की गारंटी देते हैं कि आप जाएँ यूज़ करें। नहीं आए तो जो चीज़ समझ ना आए, ख़राब हो, आपको बेकार लगे, आप वो वापस लें। ठीक है, मनी बैक गारंटी है? जी, चेंज करनी है 4 दिन की टाइम है। 4 दिन की टाइमिंग है, ठीक है। चेंज करनी है, वापस करनी। सही। अच्छा अंकल, जैसे आजकल ऑनलाइन काम हो रहा है, तो अगर किसी को दूसरे शहर में आपसे मंगवाना है तो ये पॉसिबल है? बेटा ऑनलाइन में मामला बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पेचीदा है। और क्योंकि ऑनलाइन के सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। सही है, कोई मसला नहीं, इसलिए क्योंकि हमारी और कोई ब्रांच भी नहीं है, यही ब्रांच है, और अलहमदिल्ला पूरी कराची में मशहूर है। वाटर पंप पे पुरानी दुकान, सही, ड्राई फ्रूट में, और क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। नेक्स्ट आइटम पे आ जाए फिर। नेक्स्ट क्या? ठीक है, इसके बाद ये आ गया ईरानी पिस्ता। अच्छा, ईरानी पिस्ता, ये भी नया। सही, पाव ना पुराने सीजन का ना मिक्स, ये 800 रुपये पाव है। 800 रुपये पाव मिक्सिंग वाला चल रहा है, 800 रुपये पाव, 750 रुपये पाव। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये किसे कहते हैं डोला, ये होता है गोल पिस्ता, वो लंबा होता है रंग, ये गोल होता है। ठीक है, ये क्या पाव है अंकल? ये 850 रुपये पाव। 850 रुपये, ये आधे किलो वाली थैली है? इसके जायके में, उसके जायके में, दोनों में फर्क है। सही। अब आ जाते हैं, ये है किशमिश सुंदर खानी, आमतौर पर अंगूर जो बीज वाली है ये? नहीं, ये बगैर बीज की, बगैर बीज की है। जिस तरह आमतौर पर ग्रीन अंगूर जो है वो दो किस्म का बिकता है। सही, एक गोल वाला, एक लंबे वाला। लंबे वाला सुंदर खानी अंगूर होता है, जो आमतौर पर पसंद किया जाता है, ये वही चीज़ है, उसी की किशमिश होती है। इसमें वैसी मिठास होती है कि वो किशमिश में ही है, किंग है। उसके बाद ये आ जाती है, ये है गोल अंगूर की किशमिश। इसमें बीज होगा? इसमें ये बीज नहीं होगा, नहीं, ये भी मिट्टी होगी, बगैर बीज की होगी, दोनों देसी, दो देसी किशमिश है। ठीक है भैया, ये मखाना है? मखाना क्या हिसाब है? ये आ गया मखाना, यानी कि छाटी किया हुआ, आपको छाटना नहीं पड़ेगा। आम दुकानों से आप लेंगे तो आपको छोटे छोटे सख्त दाने जो है वो छाटने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, हमारे पास आपको छाटना नहीं पड़ेगा, ऐसे इस्तेमाल कीजिए। ये पाव क्या है? ये 750 रुपये पाव है। 750, ठीक है। डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट 600 रुपये पाव है, जिसमें छोटे वो सगदाने भी आएंगे, लेकिन हम लोग ये छाट देते हैं, इस वजह से छाटी किया हुआ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज। ये बड़ा दाना है, थोड़ा कैमरा सामने मारिए, वो छोटा दाना हमने निकाला हुआ सारा, वो छोटा दाना है। सही है, वो निकाल के अलग किया हुआ, नजदीक जाके देखिए, ये वाला छोटा दाना है, इन्होंने ये अलग किया हुआ है। अंकल जो कह रहे हैं, इनके पास जो अभी ये दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल, ये हमने फर्क वाइज है, ये निकाल दिया हम लोगों ने। सही, जो ये भी किसी को चाहिए तो छोटे वाला 500 रुपये पाओ, 500 रुपये पाओ। ठीक है, और ये बताएं, ये सर्दी की सौगात भी है, जैसे मुरमुरे के लड्डू हैं, ये कितने का पैकेट है? 120 रुपये का है, 120 का पैकेट है, और 12 लड्डू हैं। ठीक है, ये खजूरे हैं, इम्पोर्टेड अंकल? नहीं, ये इम्पोर्टेड भी हमारे पास हैं, इम्पोर्टेड खजूरे भी हैं। ठीक है, अब ये भी देख लें, ये कितने का पैकेट है इसका? ये वाली भी देख लें। ठीक है, ये पैकेट कितने का है इसका? ये 280 का है, अलमेहरान। सही, ठीक है, ये भी देख लीजिए,
यानी वैरायटी हमारे पास आपको एक से एक मिलेगी, एक मिलेगी और गारंटेड मिलेगी। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ अंकल, जैसे कि शादी ब्याह के लिए भी अगर सामान बनवाता है, कोई टोकरी बनवाता है, वो भी आपके पास है? वो जरा शादी ब्याह के लिए ये पाउच पड़े हुए, सही ठीक है, फैंसी पाउच भी मिल जाएंगे, ये देखें जी, ये फैंसी डब्बे हैं, सही, जिन्हें फैंसी बॉक्स चाहिए तो ये बॉक्स। अच्छा अगर किसी को बनवाना हो तो कितने से स्टार्ट होता है, जैसे निकाह का जो ये? निकाह के हमारे पास कम से कम जो ना वो 17 रुपए से स्टार्ट होता है। और जाता कहाँ तक है? जाता फिर वो 40 तक ले जाएं, 50 तक ले जाएं, 60 तक ले जाएं, 80 तक ले जाएं, 100 तक ले जाएं, वो लेने वाले कस्टमर के ऊपर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, हाँ उतना मीठा होगा, सही है सही है सही है, जितने आइटम वो बढ़ाएंगे, सही। यानी कि शादी ब्याह का जैसे वो थैलियां हो गई, ये टॉफियां हो गई, ठीक है, ये सुपारियां वगैरह हो गई, पूरा मतलब सामान ए टू ज़ेड, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, क्या दिखाने जा रहे हैं? ये इम्पोर्टेड है, ये क्या अंकल, खजूर जी? सही, ये है अंबर खजूर, सही। ये क्या पाव या किलो है? ये 2400 रुपये किलो है, 2400 रुपये किलो है, ठीक है बेटा, सही। ये देखेंगे, अजवा भी होती होगी अंकल आपके पास? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अजवा भी होती है। ये कलमी, कलमी ठीक है, ये क्या किलो है? 1800 रुपये, ताज़ा माल मिलेगा, बगैर फ्रिज वाला, पुराना नहीं होगा, गारंटी है, ठीक। सोदी खजूर के अंदर, ठीक है। ये कलमी है, पहले मैंने आपको मबरूम दिखाई, सही। ये कलमी है, पहले मैंने आपको दिखाई थी, सॉरी अंबर, अंबर दिखाई थी, अंबर ये दिखाई थी अंकल ने पहले। शादी ब्याह की भी टोकरियाँ यहाँ पे, अगर आपको बनवानी है तो अंकल का नंबर मैं डाल दूँगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और एड्रेस तो बिल्कुल आसान है कि वाटर पंप पे है अंकल की शॉप ना जी, यहाँ अगर ये डब्बा मैंने आपके सामने खोला है, ठीक है, सही। ये मबरूम, मबरूम ठीक है, जो मेरे भाई शौकीन है मबरूम के, बगैर फ्रिज वाली, वो बिल्कुल ताज़ा माल, ठीक है, ताज़ा माल, सही। ये मबरूम हो गई, ये हो गए 3 खजूर है, अंबर, हाँ, कलमी, मबरूम। ये आ गया अजवा, ये अजवा खजूर, ठीक है, सही। इसके क्या प्राइस अंकल? ये आपको पड़ेगी 2200 रुपये किलो, 2200 रुपये किलो, सही। बगैर फ्रिज के ये देखें, केप लगे में, और फ्रिज में जितने माल होते हैं तकरीबन पुराने होते पुराने हम लोग पुराना नहीं रखते हैं, नया माल गारंटी के साथ। अच्छा अंकल, वो कौन सी किस्म होती है कि जिसके अंदर गुठली नहीं होती है? वो क्या मतलब निकाल दी जाती है? वो नहीं वो नहीं होती, वो होती है, वो सोदिया में होती है, वो होती है बेदाना, वो बेदाना होती है, बेदाना, और उसमें तो बीज नहीं होता। अच्छा अंकल, अभी ड्राई फ्रूट का शहनशाह तो रह गया, जरा चिलगोजा जो उसकी जरा ज़ियारत करवा दें, अपन चिलगोजे भी आ जाते हैं, बंदा ज़ियारत ही कर सकता है। ये देखें भाई, भाई ने कार्टन निकाला है चिलगोजे का, ये बेटा ये गोल्ड का चिलगोजा, ठीक है, बड़ा चिलगोजा है नया, ये आप देख सकते हैं। कितने का पैकेट है अंकल ये? ये 3000 रुपये का पैकेट है। वजन? ठीक है, हाफ के जी का है, हाफ के जी है। इसमें ये इससे कम वाला भी है, ये 6000 रुपये किलो है, 5.5 वाला भी है, लेकिन ये नया है, ये भी जो नया माल शुरू हुआ ये वो है, सही। किन का उठा के ले जाओ, इसमें ये आधा किलो का पैकेट आता है, और 200 ग्राम का भी लेके आना बेटा, 200 ग्राम का भी दो। ये वाला क्या हिसाब है किंग का? ये 2750 रुपये का, 2750 रुपये का, 5500 रुपये किलो, ठीक है, सही। ये इसमें भी ये दोनों में छोटा मिल जाएगा, 200 ग्राम का पैकेट, ठीक है। ये इस वाले का ये 1100 रुपये का है, इस वाले का 1200 रुपये, 1200 रुपये का, सही ठीक है। और आज आपको मैं गोंद वगैरह दिखा दूँ जी? गोंद दिखा दें, जैसे अभी लोग पंजीरी बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए। उस वक्त अपन ने मखाना देखा था, सही ठीक है। ये है 4 मगज, 4 मगज। अच्छा इसमें फर्क क्या होता है 4 मगज 5 मगज में अंकल? 5 कहे जाते हैं, 7 कहे जाते हैं, 12 कहे जाते हैं, होते 4 हैं, ठीक है, होते 4। अब इसमें देखें आपको डिफरेंट साइज नजर आएंगे, बिल्कुल छोटे बड़े सब मिक्स हैं, ठीक है, मिक्स हैं। अच्छा इसमें कौन से बीज होते हैं अमूमन? इसमें तरबूज, खरबूजा, कद्दू, खीरा, और आमतौर पर जो है 1 मगज या 2 मगज बिकते हैं, लोग 4 करके बोलते हैं, हमारे पास गारंटी के साथ 4 मगज हैं। 4 मगज
गारंटी के साथ। ये नमकीन बीज है बगैर नमक वाला, लाइट नमक क्या वाला पाव है अंकल? ये 350 रुपये पाव है, इसमें नमक ना होने के बराबर, ठीक है। ये गोल बीज है, ये नमकीन है। ये किस चीज़ के बीज हैं अंकल? ये पेठे के हैं। पेठे के सही। ये ईरानी बीज है, ये चाइना बीज है। ये कद्दू क्या जी? सही। सौंफ, ये हमारे पास बड़ा सौंफ है ओरिजिनल, बगैर कलर हुई, बगैर कलर हुई, गारंटी के साथ, पुरानी नहीं होगी, बगैर कलर की होगी और मीठी, ठीक है। और ये पिसा हुआ नारियल, ये क्या पाव है अंकल? ये 200 रुपये पाव है और ये तेल वाला, ये दो किस्म का आता है। अच्छा, एक जो आता है उसका तेल निकला हुआ होता है, वो खाली बुरादा होता है, बुरादा होता है, सही बात, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। हाँ। लेकिन हम लोग ये तेल वाला रखते हैं कि तेल इसमें मौजूद है। सही बात, ठीक है। अच्छा जी, ये आ जाए, ये है गोंद, गोंद इसे कहते हैं, बबूल का गोंद, जो हमारी पंजाबी जबान में किकर का कहा जाता है, उर्दू में किकर का कहा जाता है, ये बबूल का गोंद। ये बनाने से फूलता है, पकाने से फूलता है, ताकतवर ज़्यादा होता है। और इसी में फिर आ जाता है ये चुनिया गोंद, बारीक वाला, बारीक वाला। अच्छा, ये मतलब अलग अलग मतलब चीज़ क्या है? ये कहलाता है सोडानी, सोडानी आता है सोडान से। अच्छा, इम्पोर्टेड है ये? हाँ, इम्पोर्टेड है। इसके प्राइस क्या है फिर? ये 200 रुपये पाव है। अच्छा, 200 रुपये पाव जी, ठीक है। ये हमारे पास चना भी है, छिलावा भी है, ठीक है। अच्छा अंकल, ये खसखास के भी बताएं? ये फूल चना भी हमारे पास है, इसमें सख्त दाना नहीं होगा, सख्त दाना नहीं होगा, ठीक है। खसखास के बताएं जरा? ये खसखास है। ये क्या पाव है? ये 250 रुपये पाव है, 250 रुपये पाव, साफ सुथरी, जाके इस्तेमाल कीजिएगा आप, ठीक है। और ये सामने इलायची दाने अंकल, इसके जरा बताएं, ये बच्चे बड़े शौक से। बेटा ये इलायची दाना आ गया, ठीक है, इलायची दाना वहाँ है। ये अंकल आपको बादाम दिखा रहे हैं, ये हाथ से तोड़ने वाला बादाम है, साबुत बादाम, साबुत बादाम नया, टच मोबाइल के दखल टच करें और तोड़ लें और खाएं। सही। और सर्दी का सर्दी का नहीं बता उड़ा है, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही ये अखरोट मुझे ये भी रखा हुआ है, ये चाइना है, ये चाइना अखरोट है जी, सही। ये चाइना अखरोट है, ये चाइना अखरोट है, सही, ठीक है। ये वाला जो है ये देसी अखरोट है, सही, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो, ये देसी है, देसी अखरोट, ठीक है, ठीक है। जायके में भी फ़र्क होगा अंकल? ये चिल्ली है, चिली इम्पोर्टेड, वायर्ड गिरी, हाँ इम्पोर्टेड, वो भी चाइना का, वो भी चाइना का, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हलवे की देखा आपने, ठीक, हलवा है। और सबसे बड़ी बात इसकी गिरी जो है A to Z, एक ही सारी वाइट निकलेगी और पूरी की पूरी निकल जाएगी, कोई दाना इसमें ख़राब नहीं निकलेगा, पुराना नहीं निकलेगा, ठीक है। ये इलायची दाने दिखाएं अंकल, ये आगे खुबानी, खुबानी आ गई, सही जी, खुबानी यानी कि ये नया माल है, छोटा साइज भी है। क्या पाव है? और ये इससे बड़ा साइज भी है। पाव क्या अंकल? ये मुख्तलिफ कैटेगरी यानी कि 200 रुपये पाव भी है, 250 रुपये पाव भी है, 300 रुपये पाव भी है, 350 रुपये पाव भी है। ये बतासे भी रखे हैं भाई जी? हाँ। ये क्या हिसाब है अंकल? 90 रुपये पाव है, 90 रुपये पाव, चीनी वाला, चीनी खीरे का नहीं होगा। ये हमारे पास नुकुल दाना, ये अंकल किससे बनता है अमूमन? ये बेटा चीनी से बनता है, चीनी से, ये एक नंबर, वरना आमतौर पे नील डली हुई होती है, नील वाला कलर। अच्छा, नील भी लोग इसमें डाल देते हैं खाने में, वो रिफ्रेश होता है कलर देने के लिए। अच्छा, ठीक है। शीरा होता है और उसमें कलर मारा जाता है, इसका आप कलर देख सकते हैं, ठीक है। और ये सर्दियों की सौगात है हमारे पास, सही, जो सर्दियों में आती है, ठीक है, गुड़ की, चीनी की, यानी कि वो क्वालिटी है कि जिसको कहते हैं ना कि भुरा गजक, बिल्कुल बिल्कुल भुरभुरा, जिसके जिसके मुंह में एक दांत भी ना हो वो भी खाए मेरी तरह। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खस्ता। और ये तिलपाक है, सही, तिल की कटिंग बनी हुई होती है। सही। और ये गुड़ है, लाल गुड़, जो हाँ जो केवे के साथ इस्तेमाल होता है, आप जिस, अच्छा, जिस तरह मर्जी चाहे बच्चे भी खा लेगा,
ठीक है। ये मेवा कटिंग है, मेवा है। इसमें पिस्ता बादाम काजू होता है, ठीक है। और ये मूंगफली वाली है। मूंगफली वाली क्या पाव है अंकल? ये दोनों के प्राइस ये 200 रुपए पाव है, ये 700 रुपए पाव है। और ये चकवाल वाली देसी घी की रेवड़ी है, ठीक है। और ये हमारे पास सैलून का खोपरा है। नरम होता है अंकल ये। अच्छा अंकल, इंडियन खोपरा भी तो आता है, वो होता है अपने पास? इंडियन बेटा, इंडियन जो है खाने में मज़ेदार जो होता है वो होता है बंद वाला। अच्छा, बंद वाला, ठीक है। इसमें इस वाले खोपरे में सैलून, ये देखें, ठीक है। ये बगैर केमिकल के है, मोटे दल का है और खाने में मीठा है, इससे बेहतरीन खोपरा कोई नहीं होता। और फिर आप ये बाहर आ जाएं, बाहर वैरायटी लगी हुई है। ठीक है, ये देख लीजिए, मुख्तलिफ ये वैरायटियाँ लगी हुई हैं हमारी। पापड़ वगैरह भी लगे हुए हैं, ये शहद वगैरह भी लगे हुए हैं, तनबीला वगैरह भी लगा हुआ है। जल्दी ना दिखाइएगा, ये हटाइएगा। कौन सा वाला? ये हाँ, ये मुख्तलिफ फ्लेवर के अंदर होगा। ये कितने का पैकेट है? ये अजवा फ्लेवर है। अजवा फ्लेवर है, पैकेट प्राइस? ये पैकेट है 300 रुपये का। ये अमूमन क्या नाश्ते में इस्तेमाल होता है? ये हाँ, ये दूध में तलबीना, जिसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े शौक से शौक से इस्तेमाल करते, ठीक है। ये भी यही है, सप्लीमेंट है, दूध में डालें। ये सोल्टेड बादाम है, ठीक है। और ये भी तलबीना लगा हुआ, ये देखिए। सही, ये भी देख लें, ये तलबीना लगा हुआ है, ठीक है। और ये मुरब्बा जात भी हैं, ये डब्बों में लगे हुए, मुख्तलिफ किस्म के। वही वाला दिखा दें, वही वाला दिखा दें। और ये दलिया वगैरह भी हैं, जौ के भी हैं, गंदुम के भी हैं। एंड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? रहमान। रहमान भाई, आप इनके रेगुलर कस्टमर हैं? मैं पिछले 7-8 साल से ले रहा हूँ। अच्छा। और जब भी सर्दियों का ज़माना हो या रेगुलर जो भी आइटम लेना हो, मैं मदीना से ही लेता हूँ। इनकी क्वालिटी ये है कि अच्छी है, प्राइस भी अच्छी होती है, और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात फ्रेश आइटम इनके होते हैं मौजूद। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगा कि मदीना से आप आके जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, ये अनीस अंकल थे जिन्होंने हमें बहुत डिटेल के अंदर ड्राई फ्रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और गाइड करा। ओल्ड मदीना ड्राई फ्रूट्स के ऑनर हैं, और अगर आपको यहाँ पे आना है तो वाटर पंप पे बहुत मशहूर है, मछली मार्केट के बिल्कुल करीब है और UBL के बराबर में। UBL के बराबर में। तो अंकल, अल्लाह ताला आपके कारोबार में इसी तरह दिन रात तरक्की दे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दिस इज हसीबुल्ला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। और इंशाल्लाह जो हसीबुल्ला की मार्फत आएगा, जो भी हो सकेगा, उसके साथ हम लोग कम्प्रोमाइज़ करेंगे। सही है। थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।